हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आए हो, अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो एक बार दोबारा स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से, सॉरी आफ्टरनून से। अभी 12 बज रहे हैं और मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिए हैं, बाहर भी टांग दिए हैं। तो अभी अभी पापा ने बोला है कि मैं मंदिर से थोड़ा लेट आऊँगा, तो खाने का तुम लोग देख लेना। तो खाने की जिम्मेदारी आज मेरी है दिन की। आज मैं बनाने जा रही हूँ भटकी चुड़कानी, जो कि उत्तराखंड की फेमस दाल है, जो कि मैं अच्छी बनाती हूँ ऐसा बोलते हैं मम्मी और पापा, सब लोग मतलब। तो मैं बनाऊँगी भटकी दाल। हरसू खेल रहा है नीचे मम्मी के साथ, तो चलिए बनाते हैं पहले दाल और खाना बनाती हूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, बाय। बरुली पानी लगी चितुरे आम की डाई मा काफल की डाई। तो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना। और यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, अभी थोड़ा जलाते हैं इसको, क्योंकि कढ़ाई गर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में। हा हा। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ में भिगा दिए हैं चावल, क्योंकि चावल पहले भिगाने के लिए रख दो ना तो अच्छे बनते हैं खिले के लिए। और यहाँ पर मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। ये है भटकी दाल जो कि मम्मी ने पहले साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर तेल रख दिया है, यहाँ पर मैंने हरसू के लिए रखा हुआ है खाना बनाने के लिए। और चलिए अब तेल गर्म हो चुका है तो आप भट भून लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट होता है भट को भूनना। इसमें अंदाजे के साथ किया जाता है कि भट भून गए हैं या नहीं है, क्योंकि अगर कच्चे रह जाते हैं ना तो वो टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देता है दाल की। तो मेन पार्ट यही है कि भट भूनना आना चाहिए हमको। और जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, एक भटकी ना अच्छी खुशबू आती है, जब तक वो ना आ जाए तब तक हमको पता नहीं लगेगा कि भट भून चुके हैं। तो आप इसको आराम आराम से भूनिएगा, जल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर प्याज मिर्ची और लहसुन कट कर दिए हैं। टमाटर लास्ट में डलता है तो मैंने भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैंने भट भून के निकाल दिए हैं। साथ ही साथ में मैंने बेसन भी घोल के रखा हुआ था कटोरी में, मतलब घोल दिया था बाद में, घोल के रखा हुआ है क्योंकि बेसन भी डलता है थोड़ा सा उसको ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट में डाल दिए हैं मिर्च, क्योंकि मिर्च है पापा को लगनी नहीं चाहिए, बोलते हैं ऐसा पापा, क्योंकि पहले डाल दो ना तो उसकी जो सारी कड़वाहट होती है ना मिर्ची की, तो वो निकल जाती है, इसलिए मिर्च पहले डाला मैंने। और उसके बाद मैं डालूँगी लहसुन और मिर्च, दोनों मैंने साथ में डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज, तो इन सबको होने देंगे ब्राउन अच्छे से, जैसे नॉर्मली सब्जी वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर प्याज हो चुका है मेरा अच्छे से ब्राउन, और मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है टमाटर। और हंसू की आपको आवाज़ लग रही होगी कि पीछे से ये मम्मा मम्मा बोले जा रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ऐड कर रही हूँ इसमें। और मैंने डाला है यहाँ पर नमक और हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, बेसिक मसाले ही मैंने ऐड करे हैं इसमें, कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करा है, क्योंकि ये दाल एक खुद में ही इतना अच्छा टेस्ट लेके आती है। अगर आप इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करोगे ना, नमक डालोगे थोड़ा सा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हम लोग इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डाला है बेसन, क्योंकि जो बेसन इसका मेन पार्ट है, बेसन से ही इसकी जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी बनती है, तो वो अच्छी अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मेरी जो क्या बोलते हैं भटकी चुड़कानी है ना, वो बनके तैयार हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा सा बॉइल्ड होने देंगे, जैसे कढ़ी को बॉइल्ड होने देते हैं ना, वैसे ही इसको उबलने देंगे अभी, तो इसमें पानी जो है वो पकेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भट जो कि हमने भुने थे, क्योंकि उसको लास्ट में। और यहाँ पर हमारे हरसू को आप देख रहे हैं, ये खा रहा है एप्पल और साथ ही साथ में मेरे साथ ये मस्ती करता रहता है। इसको हमें दिखनी चाहिए, पर कहीं मैं क्या, इसको फैमिली में चार मेंबर हैं, चारों के चार दिखने चाहिए इसको, नहीं तो ये बेचैन हो जाता है, कभी अम्मा कभी बूबू। मैं अगर मैं गायब होती हूँ तो फिर तो बस इसकी हालत ख़राब हो जाती है, मम्मा मम्मा बोलने के लिए तैयार हो जाता है। और देखो अपने मुँह का ये मेरे को खिलाता है, मेरे को क्या ये अपने पापा के मुंह, अब जैसे मुंह में चबाएगा फिर अपने पापा का मुंह खोलेगा ज़बरदस्ती और उनके मुंह में डाल देगा, ये इसकी हैबिट है, पता नहीं क्यों क्या करता है ये ऐसा। उसका जूस होता है ना वो खा लेता है, उसके बाद हमारे मुंह में डाल देता है। बट एक हरसू के होने से ना मेरी लाइफ
बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में इनकम्प्लीट जो थी ना वो कम्प्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले अकेले रहती थी, बोरियत सी रहती थी। अब हरसू के रहने से मुझे टाइम का भी नहीं पता लगता और इसके साथ मस्ती करते करते मेरा पूरा दिन बहुत अच्छी तरह निकल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, घर में एक छोटे बच्चे का होना और बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ खेलते हैं, हमारा टाइम पास करते हैं और हमें हमारा बचपन दोबारा से याद दिलाते हैं, और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। तो इसीलिए दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली में। और यहाँ पर देखो इस गंदे ने मुँह का सब थूक दिया नीचे। तो गाइज यहाँ पर मेरी जो भटकी दाल है वो बनके हो चुकी है तैयार। अभी इसे आराम से पकने देते हैं और ऐड करते हैं इसमें भटके दाने जो मैंने फ्राई किए हुए थे वो। फिंगर्स कहाँ हैं आपके? हैंड कहाँ है आपका? लेग कहाँ है आपके? टमी कहाँ है आपके? हेयर्स कहाँ हैं हरसू आपके? ईयर कहाँ है? वेरी गुड। थम कहाँ है थम? ये बोलो बुआ। अरे कैटू कैसे करती है? डॉगी कैसे करता है? काऊ कैसे करती है? ऐसे करती है काऊ। तो गाइस यहाँ पर दाल बनके भी हो चुकी है रेडी और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल। और दाल का आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और ये जो बॉयल्ड हो रही है ना ऊपर को, इससे जो साइड में कुराटी लगती है ना, ये हाय क्या मज़ा आता है उसको खाने में। तो चलिए बन चुकी है दाल और पापा भी आ गए हैं, तो अब खाना वगैरह सर्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे और मैं अभी उठ के आई हूँ। अब बनाते हैं चाय। मोस्टली ना मैं कोशिश करती हूँ कि इवनिंग की चाय मैं बनाऊँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती हूँ तो मेरी ना आँखें नहीं खुलती हैं। तो आज मैं सो गई थी, थोड़ा सा सोई थी और अचानक से मेरी आँख खुली, तब टाइम देखा 4:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब उठ जाते हैं, चाय बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा शाम को जाते हैं घूमने के लिए तो उनके लिए वो चाय पी के ही जाते हैं 5 बजे। अगर मैं नहीं उठती हूँ तो पापा बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो आज मैं उठ गई हूँ, मैंने कोशिश करी किया यार मैं उठ जाती हूँ, तो मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने पानी वगैरह रख दिया है और अब मैं निकाल रही हूँ दूध चाय बनाने के लिए। पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि उठने का, टाइम से उठ जाऊँ, सब कुछ टाइम से करूँ, बट क्या होता है कि एक तो हरसू रात को सोने नहीं देता है, 2-2:30 बजे तो ये सोता है रात को, बड़ी मुश्किल से इसे सुलाती हूँ, और दिन के टाइम पे फिर लेट उठता है सुबह। आजकल इसका रूटीन चेंज हो चुका है, सुबह 10-11 बजे उठता है, फिर ये दिन में सोता है 3-3:30 बजे, तो जब ये सोता है तभी मैं सोती हूँ, और वो नींद ऐसी होती है ना सीधे 6 बजे आँख खुलती है, कभी 5:30 बजे आँख खुलती है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ। बाकी मेरी कोशिश तो वही रहती है कि टाइम से सब कुछ हो जाए, पर नहीं हो पाता है तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर चाय बनके रेडी हो चुकी है, अब मैं देख के आती हूँ नीचे मम्मी पापा को, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।